हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आमतौर पर हम लहसुन का इस्तेमाल खाने में तड़का लगाने या ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं। लहसुन किसी भी बेजान सब्जी के स्वाद को जानदार बना देता है, लेकिन लहसुन में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं जो आपको कई बीमारियों से दूर रखते हैं। लहसुन एक वंडरफुल फूड है। आयुर्वेद में तो लहसुन को औषधि माना गया है। हालांकि आपको किसी न किसी रूप में लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन सुबह सवेरे खाली पेट लहसुन खाने से आपको सबसे ज़्यादा फायदे होंगे। तो आज के हमारे ये वीडियो में हम लहसुन के फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट में ये वीडियो के लास्ट में हम लहसुन को कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जो दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लहसुन के फ़ायदों के साथ। नंबर वन, वजन घटाने में मदद करता है लहसुन। दोस्तों, आजकल हर किसी व्यक्ति की दिनचर्या व्यस्त होती है। घर और काम के बीच तालमेल बनाने के चक्कर में लोग अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। खान पान ठीक नहीं होने और नियमित रूप से व्यायाम न कर पाने की वजह से लोग मोटापे की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि कई बार लोग नियमित रूप से व्यायाम करने के और खान पान में परहेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ज़्यादा दिनों तक ऐसा कर नहीं पाते हैं। ऐसे में लहसुन बढ़ते वजन को रोकने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। यह एडिपोजेनिक ऊतकों की अभिव्यक्ति को रोकने में मदद करता है, थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अपने इन अनोखे गुणों की वजह से लहसुन आपको मोटापे से राहत दिला सकता है। नंबर टू, हाई ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों, इन दिनों लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ लोग दवाओं का सहारा लेते हैं तो कुछ लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में घरेलू उपाय के तौर पर लहसुन का सेवन काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। दरअसल लहसुन में बायो एक्टिव सल्फर यौगिक मौजूद होता है जो ब्लड प्रेशर को 10 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर और 8 mmHg डायलोस्टिक प्रेशर तक कम कर सकता है। क्योंकि सल्फर की कमी से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, इसलिए शरीर को ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों वाला पूरक आहार देने से ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। नंबर थ्री, डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है लहसुन। हर रोज़ बदलती और असंतुलित जीवन शैली की वजह से कई लोग डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि लहसुन का सेवन करने से डायबिटीज़ पर लगाम लगाई जा सकती है। IIT के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहों को लहसुन खिलाया। इसके बाद चूहों के खून में ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में कमी पाई गई। इसके अलावा चूहों के शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता में भी वृद्धि देखने को मिली। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ का संदेह या डायबिटीज़ है तो आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित कर इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। नंबर फोर, सर्दी जुकाम से बचाता है लहसुन। मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी जुकाम होना बहुत ही आम बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन बीमारियों के उपचार के लिए हर बार अंग्रेजी दवाओं का सेवन किया जाए। दरअसल लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट गुणों की भरमार होती है। इसमें एलियानेस नामक एंजाइम मौजूद होता है जो एलिसिन नामक सल्फरयुक्त यौगिक में परिवर्तित होता है। यह यौगिक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है जो सर्दी जुकाम के वायरस से लड़ने में मदद करता है। नंबर फाइव, कोलेस्टेरॉल की रोकथाम में मददगार है लहसुन। दोस्तों, ज़्यादा तेल घी वाले खान पान की वजह से लोगों को कोलेस्टेरॉल बढ़ाने की समस्या हो जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी एक जांच में पाया है कि पुराने लहसुन के सेवन से शरीर में LDL कोलेस्टेरॉल, जो कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके स्तर में कमी पाई गई है। हालाँकि अभी तक लहसुन के इस गुण को लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। नंबर सिक्स, दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मददगार है लहसुन। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का हृदय संबंधित रोगों से सीधा रिश्ता होता है, ऐसे में लहसुन का सेवन हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए असरदार साबित होता है। नंबर सेवन, गठिया में लहसुन खाने से मिलती है राहत।
दोस्तों लहसुन हड्डियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। ऐसा पाया गया है कि लहसुन के सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे रोगियों को काफ़ी राहत मिलती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग के जरिए साबित किया है कि लहसुन अंडाइक्टोमी प्रेरित हड्डी शोषण को दबाने में सक्षम है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि लहसुन डायलिल डाइसल्फाइड मैट्रिक्स को कम करने वाले एंजाइमों को दबाने में मदद करता है। इस तरह लहसुन हड्डियों को होने वाले नुकसान से रोकता है। नंबर 8, गर्भावस्था में लहसुन के सेवन से होने वाले फायदे। दोस्तों गर्भावस्था के शुरुआती दौर में लहसुन को सीमित मात्रा में खाने में शामिल किया जा सकता है। इस समय लहसुन का प्रभाव भ्रूण पर कम पड़ता है। हालांकि गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में लहसुन का प्रयोग थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। इस दौरान लहसुन का गलत प्रभाव पड़ने से खून का पतला होना, पेट खराब होना या लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में लहसुन खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नंबर 9, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है लहसुन। लहसुन में फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और शरीर में एंटीऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। दूसरे शब्दों में एंटीऑक्सीडेंट आपको बीमार पड़ने से बचाते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि लहसुन खाने से हमारे शरीर में कई तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 10, लीवर को सेहतमंद रखता है लहसुन। दोस्तों जिन लोगों को लीवर में सूजन की शिकायत होती है उनके लिए एक सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन करना उपयोगी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन में पाए जाने वाले कुछ तत्व हमारे लीवर के लिए फायदेमंद है। वही लहसुन का तेल एंटीऑक्सीडेटिव गुणों से भरपूर होता है जो लीवर की सूजन से बचाव करता है। दोस्तों जैसे कि ये वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि लहसुन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जैसा कि जापान का एक डॉक्टर ने बताया कि लहसुन का सूप पीने से कोरोना वायरस के दर्दियों को काफ़ी फायदा साबित हुआ है। यही बात चीन के लोगों ने भी मानी है। तो यदि किसी को कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है तो उसको लहसुन का सूप पीने से फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो देखकर आपको लहसुन के फ़ायदों के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।